का है ना अनीता जी, बचपन से ही लड्डू के भैया को ही कब्ज का बीमारी है, इसलिए रोज सुबह हमसे ना ही 10-15 कप चाय बनवा कर पीते हैं और सुबह होते ही आड़े टेढ़े होने लग जाते हैं। अब फिर भी उनको प्रेशर ना ही बनता है। भाभी जी के सामने कचरा करके रख दिया ना हमारा कचरा। आपको जाना पड़ेगा रेल की पटरियों पर। रेल की पटरी से हो जाएगा? पटरी से नहीं होगा, जब पटरी पर आप बैठेंगे और ट्रेन सामने से आ रही होगी तो ट्रेन को देख के हो जाएगा। लड्डू के भैया का हाल बहुत बुरा है, रात को सज धज के अब बैल को जो है रिझाओ, उके लिए तुम गाओ नाचो उका बहलाओ। हर बार उम्मीद से बाथरूम में जाते हैं कि कहीं से तो कोई उम्मीद की किरण फूटेगी, लेकिन कम वक्त कहीं से भी किरण नहीं फूट रही है। इस कब्ज का दवा यहाँ है लड्डू के भैया। ये क्या नाटक है पगली? ये नाटक वाटक नहीं है, एक कब्ज का उपाय है। अपना ध्यान वो कब्ज से हटाइए और हमरी आंखों में समा जाइए, हमरी बाहों में खो जाइए लड्डू के भैया। अरे हट पगली, हमारा कहीं भी मन नहीं लग रहा है, तुम्हें अपनी सूझ रही है, जाओ हमें अकेला छोड़ दो जाओ। छोड़ दो, फिर चिपटी जा रही हो फालतू में। ये भी कॉफी कैसी है? ठीक है, लेकिन जब तुम कॉफी दिया करो ना तो साथ में कुछ दिया करो ना, कुकी मफिन या ब्राउनी। ऐसे अकेले कॉफी पीने में मजा नहीं आता है। कॉफी शॉप में बैठी हुई मफिन आज मम्मी से बात हुई थी। हैं? आ रही है क्या? घबराओ मत, आ नहीं रही है, जा रही है, गोवा जा रही है। She loves beaches, you know. सासु माँ बड़ी एक्टिव हो रखी है। इसमें तकलीफ है। क्या करें प्रभु, क्या करें हम, क्या करें लड्डू के भैया पर तो हमारे रोमांस का भी कोनो असर ना ही हो रहा है। भाभी जी, आप रो रही हैं? अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आप ये रो क्यों रही हैं? अरे हेलो बोल रही हैं यार। अरे एक मिनट, सुन लिया, वो रो रही हैं। एक सेकंड, मैं बोलता हेलो उनकी तरफ से, अब बोलिए। अब बोल लूं? हां बोलिए बोलिए। अंगूरी जी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? वो लड्डू के भैया की वजह से। कसम से दिल करता है शादी करना, गिच्ची घोड़ दूं बाय गॉड। बट उस आदमी ने इस औरत की जिंदगी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया इनका करियर, यू नो। आई हेट दैट मैन। ओफो, क्यों मयान से इतनी बाहर जा रहे हो, पहले बताने तो दो उनको हुआ क्या है। अंगूरी जी क्या हुआ, कहीं तिवारी जी से झगड़ा हो गया आपका? नहीं झगड़ा नहीं हुआ है, कब्ज हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक उनकी कब्जियत बरकरार है? अभी तक उनको राहत नहीं मिली है? नहीं बिल्कुल नहीं, और कितने सारे उपाय कर लिए लेकिन फाटक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाभी जी, लड्डू के भैया की प्रॉब्लम का मेरे पास एक अचूक इलाज है। हाँ तो बताइए ना। देखिए क्या करिए कि उनके खंबे से आप रस्सी से, मोटी रस्सी से कस के बांधिए, और खास तौर से पेट का एरिया जो है, और जोर से बांधिए, फिर देखिए आधे घंटे में मजा आ जाएगा बाय गॉड। किसको? लड्डू के भैया को ऑफ कोर्स। कितना बकवास आइडिया है विभू, कितना बकवास आइडिया है। अरे अगर पेट को रस्सी से इतना टाइटली बांधेंगे तो सारे ऑर्गन्स दब नहीं जाएंगे,
कुछ भी बोलते हो। आप एक काम कीजिए अंगूरी जी, आप ना तिवारी जी से कहिए कि वो शीर्षासन करें, इससे ना उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है। Are you mad? इसे तो मामला उल्टा हो जाएगा यार। क्या उल्टा हो जाएगा? तो चीज देखो, जिस चीज का रास्ता जहां से है वो कहीं और रास्ते से निकलेगी ना फिर। वो तुम कैसी फायद बातें करते हो। मैं लॉजिक बात कर रहा हूँ यार, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक पाइप में पानी भरेंगे और पाइप को ऐसे टिल्ट करेंगे तो पानी ऐसे निकलेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे निकलेगा। सो सिंपल इज दैट। तिवारी जी, अब पाइप। भाभी जी, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। आप तिवारी जी को पेट के बल लटाइए, पेट के बल, और उनके ऊपर खूब जोर जोर से कूदिए। देखिए आधे घंटे में मजा आ जाएगा। बाय गॉड। भाभी जी, कूदने फांदने से कछू ना होगो। एक काम करो, दो लाज बना के गर्म पानी में दे दो, ऐसा प्रेशर बनेगा कि पूछो मत। टीका, तू गलत बोल रहा है यार, गर्म पानी तो कब्ज को और बढ़ा देगो। अबे रहने दे, पिछली बार मैंने तो दे थी ना, तो गर्म पानी में दे हो तो। हाँ, लेकिन वासा ना कब्ज और बढ़ गई थी। फिर मैंने बर्फ में डाल के लई, तब जाकर मुँह को आराम आयो। अच्छा, ऐसू कल ही रही आजकल बर्फ में, तना हम उनको बता दियो। अरे कचुना दरोगा जी, तिवारी भैया को कब्ज है गई है। और दरोगा जी, हमने सुनो है कि तिवारी भैया को ना बहुत बड़ी वाली कब्ज भई है। अच्छा। हाँ। हमें ना पता तो कि जी भैया तिवारी ससुर इतनी बड़ी कब्जियत की मालिक है। एड हो गई। अरे गोरी मैम भैया विभूति। लियो, भाभी अंगूरी भी है। यहाँ तिवारी जी की कब्जियत पर ओपन डिस्कशन हो रही है। इट्स कॉल्ड कॉफी विद कब्ज। एक बात बताएं भैया विभूति, जब सतुरी कब्ज ठीक करने को एक ही फॉर्मूला हमें मालूम है, वही सही लगता है हमें। अरे बताइए ना क्या फॉर्मूला है भाई। मालूम पड़े। हाँ था, प्लीज इशाद इशाद, मतलब बोलिए बोलिए। यार कब आओ, एक बार हमारे थाने में सारो बहुत ही बदमाश बड़ो सारो गुंडा आओ, बाग को हमने रस्सी से बांध के उल्टो लटका के ऐसे डंडा पेले, और जैसे ही सारे वो नीचे गिराओ हमने थैंक यू करके पावन में लौट गओ। कहने लगो दरोगा जी, हमारी सालन पुरानी कब जाती ससुर, ऐसे आपने लटका वो मैं ठीक हो गई 2 मिनट में, और उल्टू ने छावर अलग से देखो सारो। हमें लगता है भैया तिवारी के संग में भी ऐसे ही करने पड़ोगे। एग्जैक्टली यही ट्रीटमेंट देना चाहिए तिवारी जी को। ये देखिए सही फॉर्मूला। अरे यार, इन कमबख्तों ने तो हमारी कब्ज का तमाशा बना के रख दिया है। अगर यही हाल रहा तो पूरे कानपुर में हमारे कब्ज के किस्से छिड़ जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कल ही सबको बता देंगे कि हमारा कब्ज ठीक हो गया है, सबको बता देंगे। क्या खा रहे हो सुबह सुबह? बनाना चिप्स। वो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मत खाया करो बनाना चिप्स, ज्यादा बनाना चिप्स खाओगे तो तिवारी जी की तरह तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। तुम्हारे से कॉन्स्टिपेशन होती है? ऑफ कोर्स। तुम्हें तिवारी जी खाते दिखे नहीं मुझे बनाना चिप्स। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि बनाना चिप्स खाने की वजह से तिवारी जी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिपेशन होने का एक रीजन बनाना चिप्स भी होता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा है। तिवारी जी की क्या पोजीशन है अभी? बस कोई काम धंधा नहीं है, मैं तिवारी जी की पोजीशन ही देखती रहूंगी। ना पता नहीं, वॉक पे तो नहीं आए थे। देखिए, बड़ा परेशान हूँ मैं यार, I'm really concerned about him. देखो, तुम बहुत मजाक उड़ाते हो तिवारी जी का। मैं क्या मजाक उड़ाता हूँ? हालात ने मजाक उड़ाया है, वक्त ने मजाक उड़ाया उनके साथ, मैं तो कुछ नहीं करता। बनो मत, सब दिख रहा है। चलिए लड्डू के भैया आइए। अनीता जी, लीजिए मिठाई खाइए, जाइए ना लीजिए। अरे सुबह सुबह मिठाई? हाँ, लीजिए लीजिए भरमुदी जी। अब माँ बनने वाली है? लड्डू के भैया का बंद फाटक खुल गया। Oh, that's a good news. Wow!
इतनी बड़ी खबर? तिवारी जी, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे तिवारी जी, आप तो बहुत रिलीव्ड हो गए होंगे, नहीं? आप चेहरे पे कुछ खुशी के एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। भाभी जी, बस आज सुबह ही गरज के साथ छींटे पड़े हैं। बड़ी बड़ी खुशी का बायस है, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। आपने कुछ तो किया होगा तिवारी जी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्या करना है, कुछ नहीं। मैं नहीं मानता, कुछ तो किया होगा आपने। I refuse to believe it. कुछ भी नहीं किया, सच कह रहे हैं। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, आपने कुछ तो किया होगा। give me details, details दीजिए आप। details कैसी बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? details मांगोगे, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हद करते हो। देखिए ना भाभी जी, ने खुशी नहीं है कि हम ठीक हो गए। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, लेकिन आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? रात अभी बाकी है, कसक अभी बाकी है। हुई नहीं तिवारी जी, शुरुआत तो हुई, कसक भी पूरी हो जाएगी। जी, पार्टी तो बनती है। उसी का तो न्योता देने आए हैं, शाम को आइए डाइनर पर। अभी जी डिनर सही पकड़े हैं। जरूर आएंगे। चलो अंगूरी। अच्छा भाभी जी, चलिए चलिए, आइए ना, आना, भैया की बेसन बनाएंगे। बेबी, पता नहीं क्यों मुझे तिवारी जी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं। चुप रहो, सब ठीक है। केले के चिप्स तो ना, मुंह बहुत मीठा हो गया। इससे तो कॉन्स्टिपेशन होती है ना। तो ना अबे यार, ये डॉक्टर कब बखत अभी तक नहीं आया, एक घंटे से वेट कर रहे हैं। पेट का बुरा हाल है, और भाभी जी से वैसे ही झूठ बोल दिए कि हमारा पेट साफ हो गया है। अब वो शाम को आएंगी, उन्हें पता चलेगा कि हमारा मामला तो ज्यों का त्यों है, तो भाभी जी की नजरों में हमारी किरकिरी हो जाएगी। अरे सॉरी सॉरी। क्या हुआ भैया? दरअसल आज शमशान में पूजा थी ना, तो बस पूजा समाप्त करते करते थोड़ा सा विलंब हो गया, माफी चाहूंगा। यार आप एक बात तय कर लीजिए कि आप डॉक्टर हैं या तांत्रिक। मैं तो तांत्रिक ही हूँ, डॉक्टर तो आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे बना रखा है। लेकिन आपने मुझे डिस्पेंसरी छोड़ के यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो क्या है ना कि हमारे पेट में बहुत जबरदस्त कब्ज हो गई है, और पेट का बहुत बुरा हाल है। क्या है भैया, ये कब्ज की बीमारी होती बड़ी खराब है, और बड़ा बुरा हाल हो जाता है, कभी कभी तो मुझे खुद हो जाती है। तो आप क्या करते हैं इसके लिए? क्या है कि एक कब्ज निवारक पूजा है, जो रात को 12 बजे शमशान में निवस्त्र होकर करनी पड़ती है। बस मैं वही कर लेता हूँ और मुझे आराम मिल जाता है। यार ये प्रपंच हमें नहीं करने हैं, हमें तो कब्ज दूर करने की दवा दीजिए जल्दी। दवा भी है, ये दवा आप रखो, है ना, सुबह दोपहर शाम कच्चे दूध के साथ आप ले लेना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसका। जैसा कहेंगे, जिसके साथ कहेंगे उसके साथ ले लेंगे, बस कब्ज ठीक होना चाहिए। अरे नहीं, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वरना क्या है ना कि हमारा कचरा हो जाएगा। जाइए। पैसे। तो मेरा शक सही निकला, तिवारी जी इज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। तिवारी जी ने मुझसे और अनु से झूठ बोला। नो प्रॉब्लम तिवारी जी, आज रात को मैं आपके कब्ज का भांडा फोड़ूंगा अनु और भाभी जी के सामने। मैं वो बना हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। अरे यार, यार ये डॉक्टर के बच्चे की दवा से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा मरोड़े और उठ रही है। डॉक्टर को फोन करते। अरे यार, तुम्हें ये किस कमबख्त ने डॉक्टर बना दिया यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, सुबह से दो पुड़िया खा चुके हैं। क्या कहा, भगवान ही हमारा मालिक है। हो रही है, हो रही है, हो रही है। अरे देखिए भैया, किस पे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? कुछ नहीं पगली, तुम खाना लगाओ, भाभी जी आने वाली है ना, जाओ जाओ। क्या है, लगा तो दिए हैं खाना कब से? अच्छा लगा दियो, ओके। हेलो भाभी जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो, आइए आइए।
हेलो भाभी जी, हेलो, आइए। बात है, बहुत जोरों से भूख लग रही है आज तो, मुझे इतनी भूख लग रही है, फटाफट खाना परोस दीजिए। खाओ ना खाना, किसने रोका है? भाभी जी क्या बात है, क्या बघार किया आपने अरहर की दाल पे, क्या खुशबू आ रही है इसमें। आज हम अरहर का दाल में लहसुन का तड़का लगाए हैं, आपका मन पसंद। क्या बात है, मैं तो ना आज दाल ऐसे ही पी जाऊंगी। तिवारी जी क्या बात है, इतने आड़ तिरछे क्यों हो रहे? कुछ नहीं, सब खैरियत तो है? हाँ सब सब खैरियत है। जी बताइए कि दाल गली की नहीं? बिल्कुल गल गई, बहुत अच्छे से गल गई। अच्छा ये बताइए कि दाल काली थी कि पीली थी? मिक्स्ड थी, थोड़ी पीली थोड़ी काली। अच्छा अच्छा, क्या काली पीली दाल लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ ये खाने की टेबल है, हम लोग खाना खा रहे हैं ना, आप ऐसे टॉपिक पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? भाभी जी हम तो खामोश बैठे हैं, इन्होंने ही चर्चा शुरू की है। तुम्हें भी ना सलीका नहीं है बात करने का, खाने की टेबल पे हर टॉपिक उसी डायरेक्शन में क्यों ले जा रहे हो तुम? कम ऑन बेबी, मैं बहुत सिंपल स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, एज अ फ्रेंड आई एम आस्किंग हिम कि दाल गली की नहीं गली, लेकिन ये आदमी झूठ बोल रहा है कि दाल गल गई है, दाल जबकि नहीं गली है। अरे भाई हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमारी दाल गल चुकी है। जिस तरह आप आड़े तिरछे हो रहे हैं ना, उससे साफ जाहिर है कि दाल गलना तो बहुत दूर की बात है, अभी दाल आपकी चूल्हे पे चढ़ी भी नहीं है। चूल्हे से उतर भी चुकी है और दाल गल भी चुकी है। देखिए ना दाल अच्छे से गला भी है और लहसुन का तड़का भी पड़ा है उसमें। शांत हो जाइए आप, ये लोग किसी और दाल की बात कर रहे हैं। कौन सा दाल का? खाई अपने माई कसम की दाल गल गई है आपकी, खाई अपने माई कसम, नहीं गली हमारी दाल, नहीं गली, हम सब कह रहे हैं हमारी दाल नहीं गली। I told you this man is lying, झूठ बोल रहा है आदमी, बेबी झूठा था आदमी, दाल गल गई। तुम दाल पियो ना बेबी, डोंट वरी। हो गया मेरा भी खाना हो गया। अरे थैंक यू वेरी मच बेबी, दाल तो पी लो। लेकिन दाल तो गली है। ऑलराइट ओके। बेबी तुम्हें खाना छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मुझसे बात मत करो तुम मुझसे। तिवारी जी के घर में पीली दाल काली दाल मिक्स दाल, अरे क्या बकवास बातें कर रहे थे, ऐसे में मेरे मुंह के अंदर खाना जाता। बेबी मैं तो कोड वर्ड में बात कर रहा था यार। प्लीज तुम्हारा कोड वर्ड गया चूल्हे में, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? सारे तुम्हारे कोड वर्ड मुझे समझ में आ रहे थे। तुम बातों में क्यों ध्यान दे रही थी यार, तू अपना मस्ती से अपनी वो पीली दाल पीती। शट अप, तुम्हारे उस घटिया कोड वर्ड की वजह से मुझे पीली दाल काली दाल मिक्स दाल सबसे नफरत हो गई है। इनफैक्ट ना मैं जिंदगी भर नहीं खाऊंगी, इनफैक्ट हमारे घर में भी कभी ये सब चीजें नहीं बनेगी। ऑलराइट, घर में काली दाल पीली दाल नहीं बनेगी, लेकिन घर में वो पीली वाली बेसन की कढ़ी तो बन सकती है ना, पकौड़ी वाली। नहीं हमारे घर में कुछ भी पीला नहीं बनेगा। ओके, आज से काली पीली दाल का कोई जिक्र नहीं करेंगे बस। भूखा सोना पड़ रहा है मुझे आज। बेबी कल तुम क्या पहन के जाओगे ग्रूमिंग क्लासेस? तुम्हारी वो साड़ी प्रेस कर दूँ पीली वाली? अगर कहो तो एक काली वाली साड़ी भी है वो कर दो। अरे प्रेशर बन जा यार, क्यों हमारी नाक में दम कर रखा है? आज वैसे ही आदमी बड़े बड़े प्रेशर झेल रहा है, काम का प्रेशर, क्राइम का प्रेशर, बेरोजगारी का प्रेशर, भ्रष्टाचार का प्रेशर, लेकिन जिस प्रेशर की हमें सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है
वही हमारे पास नहीं है, क्या करें भाई। ऐसा करते कुछ दंड पेलते हैं, शायद प्रेशर बन जाए। भैया क्यों आड़े तिरछे क्यों हो रहे हैं? अच्छा हाँ, आपको कब्ज है ना, कब्ज है आपको। हाँ मामला बाहर नहीं निकल रहा है। अरे नहीं निकल रहा है तो मत निकालिए ना, निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, रहने दीजिए पेट में। बाहर निकाल के गंदगी क्यों करना चाहते हैं आप? वैसे भी देश में सफाई अभियान चल रहा है आजकल, पता है ना आपको। भैया आपको एक पते की बात बताता हूँ, बहुत काम की बात बताता हूँ आपको। बहुत बेचैनी हो रही है ना आपको, बेचैनी अंदर से बहुत है। देखिए क्या है, ये जो बेचैनी है ना, इसके मजे लीजिए आप, मजे लीजिए। मतलब ये पेट में ऐसे मरोड़ों का उठना है, बीच बीच में गैस का चढ़ जाना, जी मिचला जाना, चक्कर आ जाना। अरे भैया इंजॉय करिए ना इसको, इंजॉय करिए। कब्ज की नब्ज को पकड़िए और इंजॉय करिए भैया। मुझे लगता है कि यू आर अ वेरी वेरी लकी मैन, आई एम टेलिंग यू, यू आर वेरी लकी मैन। बहुत कम ऐसे खुश नसीब लोग होते होंगे भैया जिनको कि कब्ज मिलती है। आपको एक राज की बात बताता हूँ मैं भैया, सुनिए आप, इधर आइए। मैं भैया 6 महीने से नहीं गया हूं। I like it.